प्यारे दोस्तों नमस्कार लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत मैं डॉक्टर दिलीप नलगे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एपिसोड में हमने ये देखा विहार के अंतर्गत हमारी दिनचर्या जो है वो आयुर्वेद में किस प्रकार से बताई है और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है उसके साथ साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट आयुर्वेद में दिया गया है वो है ऋतुचर्या ऋतुचर्या का अर्थ होता है ऋतु या सीजन के अनुसार आहार विहार में बदलाव लाना या परिवर्तन करना आयुर्वेद में छह प्रकार के ऋतु बताए हैं और उसका भी डिवीजन दो हिस्सों में किया गया है जैसे हम सभी जानते हैं कि इस पूरे सृष्टि में दो गुणों का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है एक तो है उष्ण और दूसरा है शीत तो ये उष्ण और शीत के अनुसार ही ये पूरे साल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है जैसे एक साल में जो छह महीने होते हैं अर्थात तीन ऋतु क्योंकि दो महीनों की एक ऋतु होती है एक सीजन होती है और तीन सीजन मिलके जो है वो तीन सीजन में शीत का ज्यादा डोमिनेंस रहता है और तीन सीजन में उष्ण गुण का ज्यादा डोमिनेंस रहता है और उस अनुसार उसको उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे कहा जाता है तो उत्तरायण की शुरुआत जो होती है वो मकर संक्रांति से 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास और फिर अगले छह महीने तक ये उत्तरायण माना धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है और गर्मी का जो है वो ज्यादा डोमिनेंस रहता है उष्ण गुण का ज्यादा डोमिनेंस रहता है और इसीलिए इस उत्तरायण में क्या हो जाता है धीरे धीरे शरीर का भी बल कम होने लगता है गर्मी का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके बाद जैसे ही बरसात की शुरुआत UH होती है तो वो होती है दक्षिणायन की शुरुआत माना शीत गुण जो है वो धीरे धीरे डोमिनेट करने लगता है तो इसीलिए वो जो दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन में तीन ऋतु होती है बरसात की ऋतु से वो शुरुआत होती है वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु जो है वो जनरली जून और जुलाई के महीने में जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा ऋतु होती है और फिर सितंबर और अक्टूबर में शरद ऋतु होती है और उसके बाद नवंबर और दिसंबर ये हेमंत ऋतु होती है तो वर्षा शरद और हेमंत ऋतु ये दक्षिणायन के अंतर्गत आते हैं तो शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये ऋतु उत्तरायण के अंतर्गत आते हैं तो इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ये हेमंत और शिशिर ऋतु है माना हेमंत उत्तरायण में हेमंत ऋतु दक्षिणायन में है और शिशिर ऋतु भले ही उत्तरायण में आ जाता है लेकिन हेमंत और शिशिर ये दो ऋतुओं में शरीर का बल हमारे जाठराग्नि का बल माना पचाने की शक्ति ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं उसके बाद शिशिर ऋतु के बाद जो वसंत ऋतु आता है और हेमंत ऋतु के पहले जो शरद ऋतु होता है माना सितंबर और अक्टूबर रुत और मार्च अप्रैल ये जो महीने होते हैं उसमें हमारे शरीर का बल भी मध्यम होता है और जाठराग्नि का बल भी मध्यम होता है माना पचाने की शक्ति भी हमारी मीडियम होती है शरीर का बल भी मीडियम होता है और जो ग्रीष्म ऋतु है ग्रीष्म ऋतु जो उत्तरायण का लास्ट ऋतु जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है खास करके मई और जून के महीने में और जो बरसात का जो ऋतु होता है जुलाई अगस्त ये ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में शरीर का बल भी कम होता है और जाठराग्नि का बल माना पचाने की शक्ति भी कम होती है तो इसीलिए इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है तो इसमें हम सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं हेमंत ऋतु से क्योंकि तो हेमंत ऋतु जनरली जो नवंबर दिसंबर में आता है तो हेमंत ऋतु में क्या होता है जैसे दीपावली के बाद जनरली हेमंत ऋतु शुरू होता है और हेमंत ऋतु में क्या होता है ठंड की शुरुआत होती है ठंड बहुत अच्छी तरह से बढ़ने लगती है और जैसे जैसे बाहर ठंड बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारी जाठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होने लगती है पावरफुल होने लगती है और इसीलिए उस दिनों में माना वो जो हेमंत ऋतु रहता है उन दिनों में हम थोड़ा ऑयल घी और थोड़ा हेवी चीज़ें भी खा भी सकते हैं पचा भी सकते हैं तो इसीलिए ये स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि हेमंत ऋतु में जाठराग्नि प्रबल होने के कारण हमें मुख्य रूप से इस प्रकार का आहार लेना चाहिए और इसको हम पचा भी सकते हैं और जैसे अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं पकवान है वो भी हम हेमंत ऋतु में माना नवंबर दिसंबर में हम खा सकते हैं उसको पचा भी सकते हैं तो हेमंत ऋतु में जैसे ये बताया गया है कि आप मुख्य रूप से तीन रस बताए हैं उनका सेवन ज्यादा प्रमाण में करना है जैसे मीठा है खट्टा है नमकीन है और गर्म तासीर वाली चीजें क्योंकि ठंड है बाहर तो उस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए गर्म तासीर वाली चीजों का प्रयोग करना ये उचित बताया गया है आहार में और आहार में स्निग्ध आहार का प्रयोग हम कर सकते हैं स्निग्ध मना जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसमें तेल और घी का प्रमाण थोड़ा ज्यादा हो तो भी उसको हम पचा सकते हैं हजम कर सकते हैं क्योंकि जाठराग्नि बहुत अच्छी कंडीशन में हमारा होता है तो ये जो सीजन होता है ना इसको हेल्दी सीजन भी कहा जाता है और इसीलिए जनरली डॉक्टर्स के डिस्पेंसरी में क्लिनिक में इन दिनों में पेशेंट्स कम ही दिखाई देते हैं तो ये जो हेमंत ऋतु होता है इसमें ये भी बताया गया है कि हमें अपना ठंड से प्रोटेक्शन करना बहुत आवश्यक होता है हम स्नान के लिए भी और शौच कर्म के लिए भी माना मल त्याग करने के बाद जो हम शौच माना ये करते हैं तो उसके लिए भी आ, हम उष्ण जल का ही प्रयोग करें क्योंकि ठंड ज्यादा होती है इसलिए उस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए गर्म पानी का ही प्रयोग बताया गया है आयुर्वेद में तो पीने के लिए भी और यूज करने के लिए भी जहां तक हो सके उन दिनों में गर्म पानी का प्रयोग करें कपड़े जो हमें पहनने हैं वो जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है सूर्य की गर्मी जो है वो कम है उष्णता कम है तो इसीलिए इन दिनों में हम कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं थोड़े से डार्क कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं क्योंकि डार्क कलर जो होता है या ब्लैक कलर के कपड़े पहन सकते हैं ब्लैक कलर जो होता है वो क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है तो इसीलिए ठंड के दिनों में हम अलग अलग, अलग कलरफुल और ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा डार्क शेड जिनमें होती है ऐसे कपड़े जीन्स वगैरह जो है वो हम इन दिनों में पहन सकते हैं क्योंकि ठंड ज्यादा होती है उसके साथ साथ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि दिन में सोने से क्या प्रॉब्लम्स होती है दिन में सोने की वजह से क्या होता है जैसे खाने के बाद कुछ लोग तुरंत सो जाते हैं दिन में तो दिन में सोने से हमारे शरीर में दो दोष बढ़ते हैं एक तो कफ और दूसरा पित्त खास करके जो मोटे लोग हैं, जो मोटा से ग्रस्त हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं उनको तो दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए आप कहेंगे हमें तो हैबिट है हम अगर दिन में नहीं सोते हैं तो सिर भारी हो जाता है तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या तो एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बैठे बैठे झपकी ले सकते हैं जिसको आयुर्वेद में कहा है अरुक्षम अनभिषंदि आसीनम प्रचलायितम तो बैठे बैठे झपकी लेने से ये जो लेटने से जो नुकसान होने वाला है कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हम सोते नहीं है हम केवल लेट जाते हैं थोड़ा सा भोजन करने के बाद तो ये लेटने की वजह से भी कफ और पित्त बढ़ता है वो पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो लेटने की पोजिशन में भले ही आप सोए नहीं है जाग रहे हैं फिर भी अगर लेटे हुए हैं तो कफ और पित्त को वो बढ़ावा देगा इसलिए आप बैठे बैठे भले ही नींद करें बैठे बैठे भले ही झपकिया लेकिन लेटना मना है और अगर आप इसको एवॉइड कर ही नहीं सकते हैं तो भोजन करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं फिर सारा दिन भर भी अपना स्टेमिना बनाए रखना है और ये आदत है दिन में नींद करने की तो उसके लिए भोजन करने से पहले अगर हम नींद कर लेते हैं तो ये जो कफ और पित्त जो है वो बढ़ेंगे नहीं और हमें उससे तकलीफ नहीं होगी वजन आदि बढ़ने के भी चांसेस फिर नहीं होंगे लेकिन उसका भी एक प्रमाण है चालीस आधा घंटा या चालीस मिनट उससे ज्यादा हमें दिन में नींद कभी भी नहीं करनी चाहिए आयुर्वेद में यह स्पष्ट रूप से बताया है केवल और केवल गर्मी के दिनों में माना ग्रीष्म ऋतु में ये परमिट किया है ये परमिशन दिया है आयुर्वेद ने कि आप दिन में सो सकते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है रूखापन बहुत ज्यादा होता है ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है और दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं तो इसीलिए दिन में सोने के लिए बताया है केवल और केवल वो दो महीने मई मही और जून उन दो महीनों में दिन में सो सकते हैं बाकी अगर और दिनों में अगर सोना ही है तो मैंने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से आप नींद का आनंद ले सकते हैं तो ये हेमंत ऋतु की बात बताते बताते मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की उसके साथ साथ हेमंत ऋतु में ये सारी बातें बताई हुई है कि हमें कैसे ठंड से अपनी रक्षा करनी चाहिए बाहर अगर निकलते हैं तो हमें अपने कान और नाक ये दोनों को ढक के निकलना चाहिए क्योंकि इसको अगर हम ढकते हैं तो उससे जो ठंड से जो भी सर्दी खांसी आदि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं गर्म जल का उष्ण जल का ही प्रयोग करना चाहिए इस ऋतु में इस प्रकार से हेमंत ऋतु के बारे में काफी अच्छी तरह से आयुर्वेद में बताया है कि हमारा आहार और विहार इस ऋतु में कैसा होना चाहिए हेमंत ऋतु के बाद माना नवंबर और दिसंबर पूरा होने के बाद शुरू होता है शिशिर ऋतु तो शिशिर ऋतु में क्या होता है शिशिर ऋतु में धीरे धीरे कफ जमा होना शुरू होता है शरीर में सभी के शरीर में और ये जो कफ है ये फिर आगे चल के वसंत ऋतु में कुपित हो जाता है प्रकुपित हो जाता है तो शिशिर ऋतु में यही हमें आहार विहार फॉलो करना होता है जो हेमंत ऋतु में बताया कि जैसे ये तीन रस जो मीठा खट्टा और नमकीन और गर्म तासीर वाली चीजें ये हमें आहार में लेनी होती है और उसके साथ साथ हम उस उन दिनों में भी थोड़ा सा स्निग्ध आहार का सेवन कर सकते हैं ये भी बताया हुआ है कि अगर आपको लंघन करना है आपको अगर अपने पेट को आराम देना है तो ये ऋतु सबसे उसके लिए बढ़िया है शिशिर ऋतु तो इसमें यह बताया गया है कि स्थूलांश लंघयेत नित्यम शिशिरेतु अपरानपि। इसका अर्थ है कि जो मोटे लोग हैं, उनको तो बीच बीच में हमेशा लंघन करते रहना चाहिए लंघन क्या होता है उसके कितने प्रकार होते हैं वो सारा डिटेल आपके साथ हम आगे शेयर करेंगे लेकिन अभी तो मैं इतना बताता हूँ कि जैसे फास्टिंग है इन शॉर्ट अगर उसको समझना है तो थोड़ा सा हल्का आहार लेना या बिल्कुल भी आहार नहीं लेना इसको लंघन कहा जाता है तो ये जो है ये स्थूल व्यक्तियों को तो अपने वजन कम करने के लिए करना ही पड़ता है लेकिन शिशिर ऋतु एक ऐसा ऋतु है इसमें और भी लोग बीच बीच में इसका लंघन का आप प्रयोग कर सकते हैं तो इसको करने से क्या है जो कफ की जो संचिति शुरू हो गई है संचय होना शुरू हो गया है उसको कंट्रोल में लाना आसान होता है तो इसीलिए शिशिर ऋतु में भी हमें यही ध्यान देना है क्योंकि शिशिर ऋतु में क्या होता है हवा का जो ड्राइनेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है तो इसीलिए इन दिनों में खास करके हमें जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं जैसे हम मकर संक्रांति में क्या करते हैं तिल और गुड़ एक दूसरे को बांटते हैं तो इस प्रकार की जो चीजें जो स्निग्ध भी है और जो गर्म तासीर वाली भी जो है और जो मधुर रसात्मक भी है इस प्रकार की चीजों का सेवन हम करें शिशिर ऋतु में भी वही बात है कि दिन में सोना मना है दिन में नहीं सोना चाहिए हमें और स्निग्ध पदार्थों का सेवन हम कर सकते हैं शिशिर ऋतु में हमें कपड़े उसी प्रकार से पहनने हैं जैसे हेमंत ऋतु में बताया कि डार्क शेड वाले कपड़े हम पहन सकते हैं क्योंकि उससे हीट एब्जॉर्ब होती है और उससे हमारे शरीर की गर्मी बनी रहती है अपने आप को जो है वो उष्ण जल का प्रयोग इस ऋतु में भी जारी रखना है पीने के लिए भी और यूज के लिए भी तो इस प्रकार से ये जो ठंड के जो सीजन है दो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु इसमें हम अगर अपना आहार विहार इस प्रकार से रखते हैं तो हमें स्वस्थ रहने में बहुत बहुत मदद मिलती है तो प्यारे दोस्तों इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे आगे जो बचे हुए ऋतुएं हैं उनकी ऋतुचर्या के बारे में भी आपको अगले एपिसोड्स में बताते रहेंगे तब तक आपके लिए यही शुभ भावना और शुभकामना कि आप सदा स्वस्थ रहे सदा खुश रहे और सदा तंदुरुस्त रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम शांति